अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस पेपर टू की आउटलाइंस को जो है हम कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम पार्ट ए में से फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कंपैरेटिव और एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ द यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी। सबसे पहले जो कंपैरेटिव और एनालिटिकल स्टडी देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम्स आर द स्ट्रक्चर्स and process that govern a country, that they include the rules, institutions and practices that shape how power is exercised and how public policy is made. So this study explores the political system of the four significant countries, United States, United Kingdom, France and Germany. तो इसमें जो सियासी निज़ाम है वो ढांचे और अमल हैं जो किसी मुल्क को हुकूमत देते हैं, उनमें वो असूल, इदारे और तरीके शामिल होते हैं जो ताकत के इस्तेमाल और अवामी पॉलिसी बनाने के तरीके तश्कील करते हैं। और ये जो है इस स्टडी में हम चार अहम ममालिक के सियासी निज़ाम का जायजा लेंगे, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के निज़ाम का। सबसे पहले हम अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं और इसमें जो उसके गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर है। सो यूएस ऑपरेट अंडर अ फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, विच मीन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट। द फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री ब्रांचेस, यानी अमेरिका एक वफाकी निज़ाम हुकूमत के तहत काम करता है, जिसका मतलब है कि ताकत कौमी हुकूमत और रियासतों के दरमियान तकसीम होती है। वफाकी हुकूमत की तीन अहम शाखें हैं, एग्जेक्टिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और जुडिशल ब्रांच। जो एग्जेक्टिव ब्रांच होती है उसकी क्यादत सदर करता है, जो कि चार साल के लिए मुंतखब होता है। सदर रियासत और हुकूमत का सरबराह होता है और उसके पास कवानीन नाफिज करने और खारजा पॉलिसी को चलाने के अहम इख्तियार होते हैं। और दूसरे नंबर पर है लेजिस्लेटिव ब्रांच, यानी कानून साज शाख, तो इसको कांग्रेस भी कहते हैं। ये दो ऐवानों के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी 100 मेंबर्स होते हैं, हर रियासत में से दो होते हैं। और दूसरा होता है ऐवान नुमाइंदगान, यानी 435 अराकीन होते हैं जो आबादी की बुनियाद के ऊपर होते हैं, और कांग्रेस जो है ये कवानीन बनाने की जिम्मेदार है। और तीसरा है जुडिशल ब्रांच, यानी अदालती शाख, इसमें सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतें शामिल हैं जो कवानीन की तशरीह करती हैं और ये यकीनी बनाती हैं कि वो आइन के मुताबिक हैं। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी अमेरिका का जो सियासी जमाती है और सियासी यानी जमातों का निज़ाम है। तो अमेरिका में दो जमाती निज़ाम है जिस पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का गलबा है, और ये निज़ाम इंतखाबात के नतज, अवामी पॉलिसी और सियासी गुफ्तगू को मुतासर करता है। So elections in the US are held at various levels, federal, state and local. The most notable is the presidential election held every 4 years. The electoral college system is used to elect the president, where electors from each state vote based on the popular vote. Yani America mein mukhtalif saton par intikhabat hote hain, wafaqi bhi hote hain, riyasti bhi hote hain aur maqami bhi hote hain. To sabse ahem jo hai wo sadati intikhab hota hai jo har 4 saal baad hota hai, और सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का निज़ाम इस्तेमाल होता है, जहाँ रियासत के जो इलेक्टर्स हैं वो अवामी वोट की बुनियाद के ऊपर वोट देते हैं। देन फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म यानी वफाकियत, तो ये एक अहम खसूसियत है जिससे रियासतों को अपने कवानीन और जवाबित बनाने की इजाज़त मिलती है। इसके नतीजे में मुख्तलिफ रियासतों में कवानीन में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आती हैं, जिस तरह से तालीम और सेहत की देखभाल के मैदान में। देन पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया का सियासी निज़ाम देखते हैं, जिसमें जो बरतानिया की यानी कि हकूमती ढांचा है। तो बरतानिया में एक पार्लिमानी जमहूरियत है जिसमें आइनी बादशाह है, और हकूमत जो है वो तीन शाखों में तकसीम है, एग्जेक्टिव ब्रांच के अंदर, लेजिस्लेटिव ब्रांच के अंदर और जुडिशल ब्रांच में। तो जो एग्जेक्टिव यानी कि शाख है बरतानिया के अंदर, उसकी जो वज़ीर आज़म होता है उसकी क्यादत करता है, और जो कि हुकूमत का सरबराह होता है और बादशाह की जानिब से मुकर्रर किया जाता है उसको। और फिर वज़ीर आज़म काबीना के अरकान का इंतखाब जो है यानी मुंतखब अरकान पार्लियामेंट यानी कि एमपी से करता है। और उसके बाद लेजिस्लेटिव ब्रांच है यानी कानून साज शाख है, तो ये दो ऐवान के ऊपर मुश्तमिल है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी मुंतखब एमपीज और हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी मुकर्रा और विरासती अरकान। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो कानून साजी में ज़्यादा ताकत रखता है। और है तीसरे नंबर पर जुडिशल ब्रांच यानी अदालती शाख, तो आज़ाद अदालतें कवानीन की तशरीह करती हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे आला अदालत है। और उसके बाद जो बरतानिया का पॉलिटिकल पार्टीज का निज़ाम है,
तो यूके का जो बुनियादी तौर पर दो बड़ी जमातें हैं बरतानिया में, यानी कंजर्वेटिव पार्टी है और दूसरी लेबर पार्टी है। तो जिस जैसे यानी छोटी जमातें हैं जिस तरह से लिबरल डेमोक्रेट्स हैं और इलाकई जमातें भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। देन इलेक्शन का जो उनका निज़ाम है बरतानिया का, तो इसमें जो इंतखाबात हैं वो हर 5 साल बाद होते हैं, जहाँ वोटर्स हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके नुमाइंदों को अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और वज़ीर आज़म आमतौर पर पार्लियामेंट में अक्सरियती पार्टी का रहनुमा होता है। उसके बाद जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी यूके के अंदर जो आनी बादशाहत है, यानी बरतानिया में आनी बादशाहत है, जहाँ बादशाह यानी मौजूदा जो बादशाह है 40 साल, तो इसकी तकरीबन सिर्फ रस्मी हसियत है और असली जो असल सियासी ताकत है वो मुंतखब पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस, फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी फ्रांस इज द सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, एंड गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच। फ्रांस का जो सियासी निज़ाम है उसकी हुकूमती ढांचे में नीम सदारती निज़ाम है, जो सदारती और पार्लिमानी निज़ामों के फैक्टर्स को एलिमेंट्स को मिलाकर बनाया गया है। हुकूमत के अंदर शामिल हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच, सबसे पहली जो ब्रांच है जिसमें सदर जो 5 साल के लिए मुंतखब होता है और वज़ीर आज़म जो सदर के जरिए मुकर्रर होता है, यानी ये इसके एग्जीक्यूटिव ब्रांच में शामिल है। और सदर के पास अहम इख्तियारात हैं जैसे खारजा अमूर और इसके अलावा दिफा की निगरानी है। और लेजिस्लेटिव ब्रांच है यानी जिसके अंदर कानून साज शाख है, तो ये दो ऐवानों पर मुश्तमिल है, यानी कौमी असम्बली के ऊपर, नेशनल असम्बली के ऊपर, जिसमें 577 यानी मुंतखब नुमाइंदगान हैं, और उसके बाद सेनेट है जिसमें 348 सेनेटर्स हैं, और कौमी असम्बली के पास ज़्यादा जो है वो कानून साजी की ताकत है। उसके बाद जुडिशल ब्रांच है यानी अदालती शाख, तो आज़ाद अदलिया जो कानून की तशरीह करती है और ये यकीनी बनाती है कि वो आइन के मुताबिक हैं। और फ्रांस का जो निज़ाम है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो इसमें जो फ्रांस है उसकी जो सियासी जमातें हैं उसमें कई, यानी फ्रांस के अंदर कई सियासी जमातें हैं जिनमें अहम जो है वो जमात ला रिपब्लिक इन मार्च है, और ये रिपब्लिकन्स और सोशलिस्ट पार्टी यानी कि इसके अंदर शामिल है। ये जो कसरती जमाती निज़ाम इतिहाद हुकूमतों की तश्कील की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद जो है वो यानी इलेक्शंस हैं, इसके अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं यानी इंतखाबात, सदारती इंतखाब हर 5 साल बाद होते हैं फ्रांस में, और अगर पहले मरले में कोई उम्मीदवार जो है वो मुतलक अगर अक्सरियत हासिल नहीं करता तो वो दो मरहल में फिर यानी कि इंतखाब होता है उसका, और कानून साज इंतखाब भी हर 5 साल बाद होते हैं। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन यानी मरकजियत से इनहराफ। फ्रांस हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांटिंग मोर पावर टू रीजनल गवर्नमेंट्स एंड लोकल अथॉरिटीज अलोइंग देम टू एड्रेस स्पेसिफिक रीजनल इशूज, यानी फ्रांस ने अहम मरकजियत से इनहराफ की राह अपनाई है जिसमें इलाकई हुकूमतों और मकामी इख्तियारात को ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं ताकि वो मखसूस इलाकई मसाइल का हल निकाल सके। और पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी, जर्मनी का पॉलिटिकल सिस्टम देखते हैं, जिसके जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जर्मनी ऑपरेट्स द फेडरल पार्लियामेंट रिपब्लिक, द गवर्नमेंट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड ज्यूडिशियल ब्रांच। तो जर्मनी एक वफाकी पार्लिमानी जमहूरिया के तौर पर काम करता है और इसमें भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसकी, और इसमें चांसलर जो कि यानी बंडस्टैग यानी पार्लियामेंट के निचले ऐवान के जरिए मुंतखब होता है और हुकूमत का सरबराह होता है, जबकि सदर रियासत का सरबराह होता है जिसके इख्तियारात महदूद होते हैं। और लेजिस्लेटिव ब्रांच, तो इसकी जो कानून साज शाख है इसमें दो ऐवान शामिल हैं, बंडस्टैग मुंतखब नुमाइंदे और इसके बाद है बंडस्टैग यानी रियासतों के नुमाइंदे, और इसमें जो बंडस्टैग है वो बुनियादी कानून साज इदारा है। और जुडिशियल ब्रांच एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इंश्योरिंग लॉज कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अदालती शाख जो है एक आज़ाद अदलिया जिसमें वफाकी आइनी अदालत शामिल है जो ये यकीनी बनाती है कि कानून आइन के मुताबिक है। और इसका जो पॉलिटिकल पार्टीज है जर्मनी का, यानी कि जो जमाती सियासी जमातों का निज़ाम है, तो जर्मनी में एक कसरती जमाती निज़ाम है जिसमें अहम जमातें जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है SPD, और इसके अलावा ग्रेंस भी शामिल हैं। ये हुकूमत की तश्कील के अंदर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद यानी इलेक्शंस है, यानी इनके इंतखाबात का
जो तरीका कार है वो विभाग के इंतखाबात इसमें होते हैं हर 4 साल बाद होते हैं और जहाँ शहरी यानी बर्ड स्टक के नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और इंतखाबी जो निज़ाम होता है यानी इलेक्टोरल सिस्टम होता है वो बरह रास्त वोटिंग और जो प्रोपोर्शनल यानी प्रेजेंटेशन है यानी तनासबी नुमाइंदगी को मिलाकर इसके अंदर बनाया गया है। उसके बाद जो जर्मनी का फेडरलिज्म है, जर्मनी का जो फाकी ढांचा है वो रियासतों यानी लैंड्स को खास इख्तियारात, लैंडर को जो है वो खास इख्तियारात देता है, खासतौर पर तालीम और लॉ इन्फोर्समेंट के अंदर कानून नाफिज करने के शोबे में, जो इलाकाई खुद मुख्तारी को भी प्रमोट करता है। अब कंपेरेटिव एनालिसिस देखते हैं इसकी सिमिलरिटीज सबसे पहले और उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे। डेमोक्रेसी, ऑल फोर कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक, अलाउंग सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी जो इन जिन चार यानी मुमालिक का हमने निज़ाम जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है उसको डिस्कस किया है, अगर हम उसको कंपेरेटिव उसका एनालिसिस करें तो जो उसमें मुमासलत है वो सबसे पहले जो है उसमें डेमोक्रेसी है, यानी तमाम चार ममालिक जमहूरी हैं जो शहरियों को इंतखाबात और सियासी अमल में शिरकत की इजाज़त देते हैं। और दूसरे नंबर पर है इसमें सेम चीज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी इख्तियारात की तकसीम, हर मुल्क में एग्जीक्यूटिव कानून साज कानून यानी एग्जीक्यूटिव है, कानून साज है और अदालती शाखों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम भी है। और उसके बाद इनके अंदर जो चीज़ सेम है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं यानी सियासी जमातें हैं जो पॉलिसियों की तश्कील और शहरों के मफादात की नुमाइंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। और इन चार यानी ममालिक के अंदर जो निज़ाम है हुकूमत का उसमें डिफरेंसेस देखें तो सबसे पहले डिफरेंस आता है सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का, US हैज़ अ प्रेजिडेंशियल सिस्टम वेल UK हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फ्रांस एंड जर्मनी एम्प्लॉय सेमी प्रेजिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम रिस्पेक्टिवली। तो जो हुकूमत का निज़ाम है अमेरिका में सदारती निज़ाम है जबकि बताने में पार्लिमानी निज़ाम है, और फ्रांस और जर्मनी नीम सदारती और पार्लिमानी निज़ामों का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम यानी सियासी जमातों का निज़ाम, तो अमेरिका में 2 जमाती निज़ाम है जबकि बरतानिया और जर्मनी के अंदर कई जमातें हैं, और फ्रांस में 1 मखलूत निज़ाम है जो अक्सर इत्तेहाद हुकूमतों की तश्कील की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद है फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन, तो अमेरिका और जो जर्मनी है वो वफाकियत के ऊपर जोर देते हैं जो रियासतों को ज़्यादा ताकत भी देता है जबकि बरतानिया और फ्रांस ज़्यादा मरकजियत रखते हैं, हालांकि फ्रांस ने मरकजिया से इनराब की जानब जो है वो पेशरफ की है। सो अंडरस्टैंडिंग द पोलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी रिवील सिग्निफिकेंट इनसाइट इनटू हाउ मच कंट्री ऑपरेट्स, यानी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के सियासी निज़ामों को समझना ये जाहिर करता है कि हर मुल्क कैसे काम करता है, हुकूमत के ढांचे और सियासी तरीकों में इख्तलाफात के बावजूद ये सब जमहूरी असूलों को जो है वो बरकरार रखते हैं और शहरियों के सियासी अमल में शिरकत को यकीनी बनाने की कोशिश भी करते हैं। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।